हमारे घर पे क्राइसिस सिचुएशन आ गया ना, ब्लू स्काई हो गया, बस ब्लॉग खत्म खत्म बंद बंद। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything. Hello guys, very good afternoon. And आज है 25th, या आज है 25th of May, and आज मेरा सेकेंड डे ऑफ रेगुलर व्लॉगिंग है। आई डोंट नो कितने दिन तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं रेगुलर व्लॉग करूँ। एंड मैं अभी मैंने गुड मॉर्निंग बोला या गुड आफ्टरनून बोला, जो भी है, अभी आफ्टरनून का टाइम है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 12:30 नाउ। मैं सुबह उठ गई थी 11 बजे उठते ही सबसे पहला जो काम था वो था शेरों को खाना खिलाना, तो मैंने वो कर लिया। एंड बाहर का मौसम मैंने आपको दिखाई दिया कि सुबह का मौसम कैसा था, कभी धूप कभी बारिश। धूप तो नहीं है बट हाँ, मौसम कभी खुल रहा है कभी बारिश हो रही है, तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। एंड उसके बाद मैंने जो काम किया वो था एडिटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड लास्ट ब्लॉग 20 मिनट्स का हो गया था, ओह माय गॉड, मतलब एडिटिंग करने के बाद भी 20-21 मिनट्स का है, सो दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लॉग आई थिंक अभी के टाइम में मेरा। तो हाँ, ब्लॉग वो एडिट हो गया, अभी रेंडरिंग हो रहा है। Now what I'll do is because it's now 12:30, मैं फटाफट अपना जो घर का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड देन मैं फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। करके 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, फिर से बारिश होने लगी है। सर, टेक्निकली मुझे आज शीरो को नहलाना था, बट क्योंकि आज बारिश हो रही है तो देयर इज नो चांस कि मैं शीरो को नहलाऊं। अब पता नहीं ये यश तूफान कितना दिन रहेगा, उतने दिन मैं शीरो को नहीं नहला सकती हूँ। एंड बाहर के जितने भी मेरे कपड़े का स्टैंड है ना, उसको भी मुझे अंदर लाना है, क्योंकि पता नहीं कैसा रहेगा। लास्ट टाइम तो लोग कोई लोग बोल रहे हैं कि आम्फान से भी ज़्यादा तूफान आएगा, कोई कह रहा है कि थोड़ा कम आएगा। एंड हमारा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का तूफान का, क्योंकि हम अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए कोलकाता में, सो आई डोंट नो। बट बाहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुहाना सा मौसम हो रहा है, ये सुहाना ही रहे, डरावना ना बने, इसी की प्रे करती हूँ मैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जय अभी भी टीवी देख रहे हैं, पता नहीं उसको न्यूज़ देखने में क्या है, इतना मज़ा आता है, मुझे तो एकदम मज़ा नहीं आता न्यूज़ देखने में, और आजकल तो बिल्कुल नहीं। लाइक लास्ट 1 ईयर से तो मैंने शायद टीवी देखना छोड़ दिया, न्यूज़ देखना तो छोड़ ही दिया। तो चलिए फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? मैंने कुछ आम मंगवाए थे आज, ठीक है, मतलब कल मंगवाया था, आज मिला। तो यहाँ पे हिम सागर और लंगड़ा कुछ कुछ है, बट सारे जो आम है ना वो अभी भी टाइट है, तो करना क्या है, न्यूज़पेपर से फोल्ड करके रख देती हूँ, तो सारे पक जाएंगे तभी हम खा पाएंगे। अभी इस साल का आम का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमने एक ही बार, कितनी बार मंगवाया था हमने, दो बार या एक बार? दो बार हाँ, शायद एक दो बार कुछ मंगवाया था, और वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा निकला, तो आई होप इस बार का अच्छा निकले। ये सब उसे फोल्ड कर दूँ। Walking away, your words are lost on me. It's taking... आपको क्या लगता है कि यश तूफान कब आएगा? यश तूफान कब आएगा? आज नहीं आएगा? आज नहीं आएगा। अच्छा, अब तो बारिश तो हो रही है पर तूफान जैसा तो नहीं लग रहा है। आज से पता है मेरा ऑफिस का टाइमिंग भी थोड़ा सा लेट हो गया है, 6:30 से है मेरा ऑफिस। शिरो, मैंगो खाने, मैंगो खाने तुम्हें? हाँ, ये हाथ था।
आपको लगता है ये आम पक जाएंगे? ये आम पके ना पके सर तो जरूर जाएंगे। नहीं नहीं सर, नहीं दूंगी मैं इसे। तो मेरे सारे जो आम है वो हो चुका है, तो मैं ये रख देती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ। आप भी नहा लो, चलो हो गया, बस ब्लॉग खत्म खत्म, बंद बंद कैमरा बंद। शाम की बज रही है अभी 6:30 एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो के आके मैं काम के लिए बैठी हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं लेट लॉग इन की हूँ, लाइक नॉट लेट लॉग इन बट मेरे लॉग इन टाइम ही थोड़ा सा चेंज हो गया। सो टुडे आई एम डूइंग 6:30, लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाता है, क्योंकि बहुत दिन से मैं 5:30 से ड्यूटी कर रही थी, तो एक घंटा पीछे हो जाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि नींद में हैम्पर हो सकती है, बट लेट्स सी। एंड मैं इस रूम की क्या ही बात करूँ, लाइक मैं ज़्यादा ऐसे ऐसे घुमा भी नहीं सकती बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टोर रूम, क्योंकि हमारे हैदराबाद वाले घर पे ना बहुत बहुत ज़्यादा सामान था एंड इस घर पे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्टोर रूम। नाउ आई एम नॉट बाइंग न्यू फर्नीचर्स टू स्टोर थिंग्स या फिर शोकेस के लिए मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करने का आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट टाइम। तो इसीलिए दिस हमारा ऑलरेडी 3 BHK है, तो एक गेस्ट रूम है, एक हमारा बेडरूम है और आधे से ज़्यादा टाइम हम हॉल रूम में बिताते हैं। एंड ये वाला जो रूम है ना, बेसिकली इट हैड टू बी अ स्टोर रूम, बट मैंने यहाँ पे मेरा टेबल लगा दिया है टू डू माई वर्क एंड ऑल, तो ऑफिस का काम भी मैं इसी रूम में करती हूँ, तभी कभी कभी लेट भी जाती हूँ वहाँ पे। एंड वो जो सेड वाला टेडी बियर है वो मुझे जैन ने गिफ्ट किया था, वहाँ पे कैरम बोर्ड है एंड नीचे शीरो है। तो हाँ, यही इस रूम का अपडेट है, तो इसी रूम में मैं काम करती हूँ। बाहर का आसमान बहुत ज़्यादा सुंदर हो के रखा हुआ है, लाइक नीली नीली आसमान रखा हुआ है। मैंने एक साथ कितना कुछ बोल दिया, लाइक अगर मैं फुल डे भी आप लोगों से ना मिलूँ ना, तो 5 मिनट में मैं पूरी बात बता सकती हूँ कि मैं फुल डे क्या क्या की थी। तो या द सिचुएशन, मेरे घर पर ना एक क्राइसिस सिचुएशन आ गया, तो एक सेकेंड। हाँ, तो सिचुएशन ऐसा है कि हमारे घर पे आज बनने वाले लिट्टी चोखा एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे घर पे बन रहा लिट्टी चोखा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल ट्राई नहीं कर रही हूँ लिट्टी चोखा बनाने का। शिवम भैया आया हुआ है तो वो बनाएगा लिट्टी चोखा। ना हुए शिवम भैया, शिवम भैया इज़ जैस कॉलेज फ्रेंड, हाँ कॉलेज फ्रेंड, एंड नाउ लाइक वो यहीं पे रहते हैं, तो वो आए हुए थे घर, लाइक दे प्लान फॉर लिट्टी चोखा टुडे, बट नाउ द सिचुएशन इज़ उनको बैंगन नहीं मिल रहा, लाइक चोखा बनाने के लिए बैंगन भी चाहिए, तो बैंगन मेरे घर पर नहीं है और मैंने ऑर्डर किया बट वो कल आएगा, ठीक है। तो वो लोग अभी जस्ट बाहर गए हैं, सामने एक दुकान है, अगर वहाँ पर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो आई डोंट नो, बट लिट्टी चोखा तो बनने वाला है आज एंड मैं आपको दिखाऊंगी लाइक कैसे बनता है। वो प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे ऑफिस का काम करना है ना, आई कांट, ऐसा नहीं कर सकते। बीच में जब मैं ब्रेक लूँगी तब थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप दिखाऊँगी आपको, ठीक है। सो होप कि उनको बैंगन मिल जाए। Isn't it pretty? बहुत प्यारा लग रहा है ना। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. तो आज काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो जय लेके आए मेरे लिए कॉफ़ी एंड वो बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाता है, तो एंड साथ में लेके आया है रोस्टेड एलमंड, सो मैं अभी ये इन्जॉय करूँगी एंड मैं जाती हूँ। मैं बीच बीच में एक दो बार मैं गई थी और मैंने एक दो वीडियो क्लिप्स लिया था, तो मैं वो दिखा दूँगी आपको, लाइक हाँ मैंने शायद दिखा ही दिया हुआ है ना, तो यस आगे में मैं दिखाती हूँ और मैं शिवम भैया से भी आप लोगों को मिलाऊंगी, ठीक है। एंड शीरो पीछे, शीरो शीरो बहुत बदमाश हो गया, खाना वाना कुछ नहीं खाते अभी, उसको चिकन और अंडा ही बस चाहिए, लाइक ही हैज़ टर्न इनटू प्योर नॉन वेजिटेरियन, वेज का आप कुछ भी दे दो वो नहीं खाएगा। सो अभी मैंने उसको अंडा और चावल दिया तो वो खा लिया, पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा खाया बस। एनीवेज चलिए मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। Myself sometimes, everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it.
सुबह का टाइम है, मैं आप लोगों से कल रात के बाद अभी मिल रही हूँ। सुबह मैं उठ के अपना जो पहला काम है वो शेरों को खाना खिलाना है, वो सब करके मैं बस फ्री ही हुई थी कि नीचे से कॉल आया कि अमेजोन का पार्सल आया है, तो मैं नीचे भाग भाग के गई और लेके आई हूँ। इस सिचुएशन में भी ई कॉमर्स वाले कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारे बिल्डिंग में एंट्री बंद है लाइक ई कॉमर्स का, सिर्फ आई थिंक मिल्क, न्यूज़पेपर ये सब ही डोर डिलीवरी हो रही है, नहीं तो बाकी सारा ब्लॉक में हो रहा है, लाइक ब्लॉक तक मुझे जाना पड़ता है। सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि ई कॉमर्स डिलीवरी वाले भी इतना ज़्यादा मेहनत करके हमारे घर तक सामान पहुँचाते हैं, सो थैंक यू टू देम। कैन यू फाइंड शीरो? शीरो कहाँ पे है पता है आप लोगों को? कहाँ पे है पता है? ये कौन है, कौन छुपा बैठा है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? कम 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 कम। ओ पापा। हाँ तो मैं ब्रेकफास्ट टेबल में आ चुकी हूँ एंड कल का लिट्टी अभी भी है, तो मुझे लग रहा है कि इसको गर्म करके ही खाना चाहिए। एंड हाँ, कल बहुत 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 ज़्यादा मज़ा तो आया रात को ये सब खा के। भैया ने बहुत मेहनत से बनाया, लाइक आई नो इट टुक सो लॉन्ग एक्चुअली बनाने के लिए। एंड मैं भैया से मिला नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम था एंड ऊपर से कल इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, लाइक लाइट्स तो जल रहे थे बट प्लग पॉइंट्स में जैसे चार्ज एंड ऑल नहीं हो रहा था, मेरा ऑफिस का लैपटॉप में वो नहीं था, चार्ज नहीं था, तो बहुत ज़्यादा हचपच सा सिचुएशन हो गया था। एंड ऑल्सो इंटरनेट नहीं चल रही थी, लाइक आज भी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं दो दिन पहले आपको बोली थी ना कि यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा इंटरनेट, तो यस बहुत बुरा हाल है, लाइक यश तो आया नहीं बट इंटरनेट ने बुरा हाल करके रखा हुआ है। बाहर का मौसम अगर मैं बोलूँ, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश है, लाइक फुल नाइट से बारिश हो रही है। जब मैं बाहर बैठी हुई थी तो मौसम खुला हुआ था, नाउ अभी फिर से अंधेरा हो गया है, सो आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। बट बहुत जगह पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा दीघा साइड में तो बहुत ही ख़राब हाल है। आई होप आप लोग सब ठीक हो, लाइक अगर कोई मुझे देख रहे दीघा से तो आई होप कि आप लोग सब सही हो एंड सब लोग सेफ रहना, घर पर रहना। एंड हाँ, पानी वानी उबाल के पीना, हम लोग भी वही कर रहे हैं फिलहाल तो। और हाँ, अभी जो सुबह पैकेज आया वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी फिलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी क्योंकि मैंने कल रात को थोड़ा भी एडिटिंग नहीं किया था, तो मैं आज एडिटिंग करूँगी एंड आई विल ट्राई कि मैं आज ही पोस्ट करूँ ताकि रेगुलर सा रहे। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो यू नो व्हाट टू डू, आपको इस वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड हाँ कमेंट कीजिए। दिस डेज आई एम गेटिंग सम इंटरेस्टिंग कमेंट, सो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग से मैं कमेंट भी ऐड किया करूँगी, लाइक अगर आपने इंटरेस्टिंग कुछ कमेंट किया तो मैं पक्का उसको मेरी वीडियो में बोलूँगी। सो यस, उसी के साथ बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है एंड मुझे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके बाहर के मौसम के साथ वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना है। सो सेइंग दैट, बाय।